के साथ है। हमारी अप्रोच, हमारी अप्रोच किस तक है? हाई कमांड तक, अप्रोच हाई कमांड तक है। हमारा उठना बैठना हाई कमांड के साथ, फिर रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आते? दिन भर हम अपनी ऊर्जा को हाई कमांड के साथ, जब रिजल्ट आने की बात आती है तो ऊर्जा कैसी होती है? डिस्टर्ब। योग लगाया, कुछ हुआ तो है नहीं। तो सुबह आंख खुलती अपने डायरी बना लो या टांग लो, किचन में टांग लो दो चार पांच शब्द से, मुझे अपनी ऊर्जा को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जहां आपका बाथरूम में टांग लो, रसोई में टांग लो, कमरे में टांग लो और ही उस पर नजड़ेगी तुरंत ऊर्जा को। ये ऊर्जा क्या है? ये इलेक्ट्रिसिटी है। बड़े बड़े महारथी में तथा स्थूल चीज, फिर कौन सी एनर्जी थी जिसके आधार पे वो दुनिया बदलने की क्षमता रखते थे? ऊर्जा के आधार पर। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी तो कर सकते हैं। हर कार्य में उसकी प्रेजेंस को देखने का अभ्यास बढ़ाओ। उसकी प्रेजेंस का मतलब कर्म में सत्यता, उसकी अपने धर्म, तो थोड़ा सा अभ्यास में सुधार लाना है। अभी जो कार्य जबरदस्ती करते थे, अभी उस कार्य को बहुत प्रेम से करना है, भाव से करना। उसको समा के करना है। आलू छीलना, सब्जी काटना, तुम हो इसमें। कपड़े धोना, तुम हो इसमें। तुम हो का मतलब ऊर्जा। इसीलिए परमात्मा को कण कण में कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में है। कैसे? उसकी ऊर्जा की मौजूदगी है। धरती में जो बीज डलते हैं और वो बीज अंकुरित होते हैं, उसके अंकुरण में उसकी ऊर्जा की मौजूदगी।
इतने वृक्षों को अपने आप पानी मिल जाता है, उसकी ऊर्जा की मौजूदगी है, उसको धूप छाया पानी मिलता है। वृक्षों को कौन देने जाता है इन इतने वृक्षों को पानी? उसकी ऊर्जा की मौजूदगी। सूर्य चंद्रमा तारे अपने हिसाब से घूमते हैं, कोई किसी से नहीं टकराता, इतने तेज तेज जो सौरमंडल में घूमते हैं, क्या है? उसकी ऊर्जा की मौजूदगी। किसकी? उसकी किसकी? मेरे प्रियतम की, मेरे प्रियतम की मौजूदगी। अपने मनन चिंतन के द्वारा हर स्थान पर प्रीतम को देखने का अभ्यास बढ़ाओ। अब जब ये सब हो जाएगा, अब देखो नई दुनिया को, अब नई दुनिया को देखो। अभी आपने पहले भी नई दुनिया को वाइब्रेशन दिए थे, अब आपका मन परिवर्तन हो गया है, आपकी जो मिट्टी थी वो बैठ गई है, संकल्पों में जो उछाल आया हुआ होता है ना, वो मिट्टी बैठ चुकी है, आप शांत हो गए हो। अब आप बड़े ग्लोब को वाइब्रेशन दो, खुशी के, प्रेम के, दिव्यता के, सहयोग के, सृजन के, अनुशासन के, मिलन के, विश्वास के, ऐसी सृष्टि का निर्माण उस ग्लोब में, उस सृष्टि में ये सब गुण और शक्तियां देव। फिर आपको पता चलेगा अगली लाइन के बारे में। अगली लाइन तभी समझ आएगी जब आप ये देने का काम करोगे। जब आप निस्वार्थ भाव से अपना समझ के ऐसी सृष्टि को वाइब्रेशन देंगे, अब आप साथ के साथ चेक करते जाओ, आपके भीतर भी चेंज हो रहा है। अभी के अभी देखो, जब आप नई सृष्टि को शक्ति से संपन्न कर रहे हैं, पॉजिटिव ऊर्जा दे रहे हैं, इसका असर साथ के साथ आपके भीतर पड़ रहा है। जैसा दे रहे हैं वैसा आप बन रहे हैं। पहले किसी बात पर अगर क्रोध था, अभी क्लास शुरू करने से पहले
किसी बात में उलझे फंसे हुए थे, पहले कोई भी बात ऊपर नीचे हो रही थी, अभी नई सृष्टि को वाइब्रेशन देते देते मेरे भीतर की ऊर्जा बदल गई। मेरे भीतर नव निर्माण हो गया चक्कर, जैसे पहले बैठे थे वैसे हो, या अभी अभी बदल गए हो। आपको लग रहा है मेरे भीतर सब बदला बदला है, अब वैसी अशांति नहीं है, अब वैसा अकड़न जकड़न नहीं है, अब वैसा भटकाव नहीं है। मतलब जैसा देंगे वैसा पाएंगे। समझ आई? अभी के अभी आप शांत हो गए हो, एकदम शांत, या अभी भी कुछ ऊपर नीचे है? एकदम शांत। तो मतलब क्या इस बात का, जो देंगे वही लौट कर वापस आएगा। इस 40-50 मिनट में अंतर देख रहे हो? अपने भीतर परिवर्तन दिखाई दे रहा है? कोई भय? है कोई कल की चिंता? सब कुछ शांत हो गया है, नई ऊर्जा से भर गए हो। मतलब सृष्टि में जैसी ऊर्जा फैलाएंगे वापस लौट के वैसा ही मेरे पास आना है। समझ आया? इसका तुरंत प्रमाण देखा? तुरंता तुरंत रिजल्ट पता चला? मुझे किसी भी बात में भटकना नहीं है। क्यों? मेरा साथी अमरनाथ है। मेरा साथी महाविशाल है, और इस क्रिया को मुझे आंख खुलने से लेके, ये नहीं आंख खुली उठ के भाग लिए, पहले विचार करो, पहले अपनी ऊर्जा को सेट करो, फिर पैर नीचे रखो, फिर बिस्तर से उठो। ऊर्जा को सेट करके फिर
और जो बात सुनी उसको फिर सुनना। उतनी बार तक सुनना जितनी बार तक आप इस अभ्यास में खरे ना उतर जाओ कि मैं जो दूंगा, मैं जो 6-7 घंटे कर्म करता हूं वो कर्म मेरे संतुष्ट कर्म है या भाग भाग के करता हूं। एक्सरसाइज करो, सैर करो, मार्केट से सामान लाओ, जो भी करो सब संतुष्ट होके उसमें दिल लगा के। तो नई सृष्टि को, न्यू वर्ल्ड को लाइट माइट, और कैसे मेरा मकान बन रहा है। एक वर्ड है, नहीं मेरा मकान है ये। अपने किसी भी चीज के लिए आप कितने कितने आप उसके अंदर आपका डिवोशन होता है, कितने उसमें आप खोए रहते हो, किसमें समाए रहते हो, जो चीज आपको अपनी लगती है। क्या ऐसे ही मैंने इस बात को भी एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया है? आपने सुनी थी ना वो बात, भगवान कहता है जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं चाहते, जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं चाहता, जो तुम चाहो वो हो जाए, जो तुम चाहो वो हो, तो उसके लिए जो मैं चाहता हूं वो तुम करो। सुनिए ना अपनी बात, नहीं सुनी तो फिर से सुन लो। जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं चाहते हो, जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं चाहते हो, तुम नहीं करते हो, जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं चाहता हूं, जो तुम चाहो वो हो, तो मैं जो चाहूं वो तुम करो, तो किसकी चलेगी? उसकी चलाएं, अपनी चलाएं। वो क्या चाह रहा है? उसने बोला न्यू वर्ल्ड को अपना समझ के वाइब्रेशन दो, वो ये चाहता है। हमने उस बात को ऐसे के ऐसे स्वीकार कर लिया और हमने वो काम वैसे के वैसे ही किया जैसे उसने कहा, तो क्या होगा? वो होगा जो मैं चाहूंगा। मैंने पहले उसकी बात मानी उसकी बात मान के मैंने उस कार्य को वैसे के वैसे किया उसकी बात मान के, तो उसने मेरी बात मानी, उसने भी उस कार्य को वैसे के वैसे किया जैसे मैंने चाहा। समझ आई? तो क्या करेंगे? ये मेरा वर्ड है, देव
और दूसरी बात आप एक और समझो, आप फोन को नीचे मत रखा करो जहां आपको गर्दन झुका के देखना पड़े। आप फोन को अपने सामने वाले हिस्से में या थोड़ा ऊपर में रखा करो। सेटिंग ऐसी बैठा के रखो, स्टैंड रखो या किसी ऊंची चीज पे रखो। अगर आप नीचे गर्दन झुका के ऐसे देखेंगे फोन को तो आपको सर्वाइकल हो जाएगा। तो फोन को नीचे वाले उसमें एंगल पे मत रखो, या तो बिल्कुल सामने रखो या थोड़ा सा ऊंचा ऐसे देखो, ऐसे ऊंचे सामने मुड्डा चेयर कुछ भी रख के उसके ऊपर सेटिंग बैठाओ। बापूजी ने जहां बैठाया है, जिस तरीके से बैठाया है और जितने समय के लिए बैठाया है, उसमें आप बिल्कुल भी कटवट मत कर देना, ना अपने संकल्प की, क्योंकि आपने अच्छे से कर लिया तो आप बापूजी के किए हुए सारे कार्य को बहुत आराम से लाइव देख पाएंगे। कि नई दुनिया का निर्माण कैसे हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, ये चीज आप प्रत्यक्ष रूप से अपने आप से अभी के अभी देख पाएंगे। तो आप पूरे प्रेजेंट रहना, अपनी मनमानी कुछ भी इधर उधर मत कर देना, बस जहां आपको बैठाया गया है वहीं बैठे रहो और अपना पूरा दिल लगाओ उसको न्यू वर्ल्ड में काम करने में। आपकी प्रेजेंस पूरे दिल के साथ, उमंग और उत्साह के साथ होनी चाहिए वहां। ये ना सोचना कौन देखता है, मेरे प्रीतम प्यारा कितना खुश होगा मुझे वहां देख के, मुझे कार्य करते हुए देख के। जिसने मुझे ये कार्य दिया है वो भी तो वहां मौजूद होगा। हर एक की लगन, हर एक की मेहनत और हर एक का दिल चेक होगा यहाँ कि इसने कितने दिल से सेवा की। बहुत अच्छा। इतने ही दिल से डालो यहाँ शहद, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। को करना
महाराजाओं के महाराज, बादशाहों के बादशाह, आपकी झोली भर दे बस। इतनी शिद्दत से इस कार्य को करना, अपना समझ के इस कार्य को करना कि ये मेरा कार्य है। और फिर इसके परिणाम देखना, वो तुम्हें कैसे अपनी पलकों पर सजा लेगा।
Thank you.